हम लक्ष्मीकांत के सिनॉप्सिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स उस तरीके सिनॉप्सिस के लिए जो पेपर से पहले आप रिवीजन कर सकते जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर लक्ष्मीकांत में है, आप अपनी बुक खोल के उसमें चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया में सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन कब दी थी, 1600 में, ठीक है। 1600 परमिशन दी थी। एक ट्रेडिंग पर्पज़ से बनी हुई कंपनी थी जो हमारे इंडिया में ट्रेड के पर्पज़ से आई थी, ये इसका इनिशियल मोटिव था, ठीक है। 1765 तक इसका जो मोटिव था वो ट्रेडिंग पर्पज़ था, लेकिन 1765 पे इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद इसको दीवानी राइट्स मिले बंगाल बिहार उड़ीसा के। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है कि इन एरिया से जो टैक्स कलेक्शन है उसकी पावर कंपनी को मिल गई थी। इसके बाद से इसने अपने टेरिटोरियल जो ग्रीड्स थी उनको पूरा करने की कोशिश करी और फिर इसने रेगुलेशन के लिए कुछ एक्ट्स लेकर के आए, ठीक है। तो कंपनी का जो रूल है वो 1773 से 1858 तक है, और 1858 के बाद में फिर क्राउन का रूल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो उसमें एक्ट आया, इंपॉर्टेंट एक्ट आया, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये 1773 में पास किया गया था। ये ऐसा एक्ट था जिसमें सबसे पहले कंपनी के जो वर्क है, जो अफेयर्स है इंडिया के अंदर, उनको रेगुलेट करने की बात कही गई थी कि कंपनी का जो भी वर्क इंडिया में उनको रेगुलेट किया जाए, ना कि वो अपनी मनमानी करवे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि उसने उसमें सबसे पहले ही इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ इंडिया क्या होंगे। यानी अब आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू कर रहे हैं तो आपको अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो है कंपनी के कौन कौन से राइट्स हैं जो टेरिटोरियल और पॉलिटिकल एक्सपेंशन की आप बात करेंगे, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा, उनको भी रिऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इसी एक्ट के बाद सबसे पहले मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में फाउंड होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहले फाउंडेशन हुआ तो इसी एक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपने देखा इसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या होंगे, ये इसी में रिकॉग्नाइज किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाउंडेशन है वो इसी समय किया गया इंडिया के अंदर इस एक्ट के थ्रू, और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो अब तक गवर्नर ऑफ बंगाल के नाम से जाने जाते थे, अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो आपके जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके साथ साथ वो एक व्यक्ति थे पहले, अब उन्हें एक व्यक्ति के साथ में चार अदर मेंबर्स को भी इलेक्ट किया गया, चार अदर मेंबर्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया, जो कि एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। क्योंकि हमने अभी भी देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का फाउंडेशन हुआ, तो उसके साथ ही क्या बना, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ में चार अदर मेंबर्स का रिक्रूटमेंट भी हुआ। वो जो चार अदर मेंबर्स का रिक्रूटमेंट था वो क्या होगा, वरिन हास्टिंग की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो वरिन हास्टिंग जो थे वो आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे, और इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चार मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो बंगाल बिहार मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो गवर्नर जनरल बंगाल के अंडर में थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में जो और जो मेन प्रोविंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें आपका मद्रास आता है, बॉम्बे आता है, बंगाल आता है, तो ये सब बिहार आता है, तो ये सारे के सारे आपके किसके सबॉर्डिनेट हुए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट में आ रहे हैं। सो उसके बाद क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही हमने फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट को स्टेबलाइज किया, कहाँ पर किया, कलकत्ता में, ठीक है। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट का स्टेबलाइज किया कलकत्ता में 1774 में, तो उस समय एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना, और बाकी तीन अदर जज थे, यानी टोटल जजेस कितने थे इनिशियल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 1774 में कलकत्ता में स्टेबलाइज किया गया था, उसके अंदर टोटल जजेस 4 थे, जिसमें एक CJI और बाकी तीन अदर जजेस थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंट्रोल करा था किसको, किसके ऊपर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जिनका उसमें कंपनी के अंदर शेयर होता था, उसको उन सभी व्यक्ति के इंपॉर्टेंट पर्सन को मिला के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनते थे, जो कंपनी के ट्रेडिंग अफेयर्स को मेंटेन करते थे, ठीक है। तो जो कंपनी के जो ट्रेडिंग, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में अपने रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल जो भी आपके उनके वर्क चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उन सबसे रिलेटेड कि आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है ना, आपके सिविल वर्क कैसे चल रहे हैं, आपके मिलिट्री वर्क कैसे चल रहे हैं, सबके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसे उन्हें रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार और ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन सी बातें थी 1773 के एक्ट में। पहला क्या था कि कंपनी के जो अफेयर्स है इंडिया में उनको रेगुलेट करना, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका फाउंडेशन होना। तीसरा क्या था कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है इंडिया के अंदर उनके, उनको रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बना देना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और उसके सबॉर्डिनेट में कौन कौन डाल दिए गए, बिहार मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उसके सबॉर्डिनेट में डाल दिया गया।
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ में ही उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर चार अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। वरिन हास्टिंग आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने और उनकी चार अदर मेंबर जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किए गए, उससे एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आपकी जो आपके सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 कलकत्ता में, जिसमें आपके पहले सीजेआई और फर्स्ट सीजेआई थे और तीन अदर जजेस थे, टोटल फोर जजेस थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल करने के लिए उनको ये कंपलसरी किया कि वो अपनी जो रिपोर्ट है एज पर मिलिट्री सिविल एंड रिवेन्यू रिपोर्ट जो आपको इंडिया ब्रिटिश इंडिया में मेंटेन कर रही है, उसके लिए क्या करेगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देगी। 17 जो आपका इंपॉर्टेंट एक्ट है वो आपका है 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। हालांकि इससे पहले एक और भी एक्ट आया था जिसने रेगुलेटिंग एक्ट को और थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करी थी, ठीक है, और थोड़ा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी थी, लेकिन 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1784 में आया हुआ फिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि फिट्स इंडिया एक्ट जो है उसको आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हो। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, यानी कि कमर्शियल पॉलिटिक इस सब ये जो एक्ट था इसके थ्रू ही जो अब तक कंपनी ये दोनों काम एक साथ कर रही थी, पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी कर रही थी, है ना, और कमर्शियल फंक्शन यानी कि जो व्यापार की व्यापार से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे वो राजनीतिक काम हो, दोनों ही कामों को अफेयर कर रही थी, कौन कंपनी कर रही थी। लेकिन अब इन दोनों कामों में डिस्टिंग्विश्ड कर दिया गया कि कमर्शियल अफेयर के कामों को एक अदर बॉडी देखेगी और पॉलिटिकल फंक्शन के कामों को अदर बॉडी देखेगी। ठीक है, इसके लिए क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे और एक और बॉडी बना दी गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके दो अफेयर्स बना दिए गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट का स्टेबलाइजमेंट हुआ, पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल अफेयर्स के लिए था, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए था। ठीक है, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, सारे के सारे सिविल मिलिट्री जो गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से रिलेटेड है, वो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है ना, तो आपका गवर्नमेंट कौन कौन सी जगह पर होगी, तो एक तो कंपनी की टेरिटरी इंडिया में जो है उनको क्या, जो कि ब्रिटिश पोसेशन में आती है। ठीक है, तो जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, पहली बार उन टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज किया गया ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो टेरिटरीज है उसके पोसेशन में माना गया, क्या, जो कंपनी ने अपनी टेरिटरीज जीती थी उनको। दूसरी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कंट्रोल करा कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के द्वारा जीती हुई क्षेत्रों को ब्रिटिश पोसेशन में ले चुकी थी, तो अब उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्या, स्ट्रिक्ट और सुप्रीम कंट्रोल रखना शुरू कर दिया जो भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी उसके ऊपर। ठीक है, तो फिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है इसको। दूसरी बात, इसके अंदर डबल गवर्नमेंट का स्टेबलाइजमेंट हुआ, इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में डिस्टिंग्विश हुआ बाय द स्टेबलाइजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हु मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेंटेन कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, और गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा अपना, ठीक है ना, ये अपने कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर, और जो कंपनी की टाइटल्स थी उनको ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया के नाम से बोला गया। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा एक्ट है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इससे पहले एक और एक्ट आया था 1813 का चार्टर एक्ट, लेकिन वो आपको मॉडर्न इंडिया की बुक में मिलेगा, यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया गया है, आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में मेंशन नहीं किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा है, 1833 का चार्टर, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में मैं बता दूँ आपको उसमें क्या हुआ था, जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ चाय यानी कि आपकी सुगर और चाइना के साथ होने वाले ट्रेड को छोड़ करके, यानी कि चाय और टी को छोड़ करके, चाय और चीन सॉरी चाय यानी कि टी और चाइना को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो आपकी उसके ऊपर जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे खत्म कर दिया गया, यानी चाय और चीन को छोड़ के बाकी सभी पर जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था। ये सबसे मेन प्रोविजन था 1813 के एक्ट का। एक और था कि उसमें ये था कि जो आपके वो होगी कंपनी होगी वो 1 लाख रुपीज जो है ईयरली क्या करेगी, स्पेंड करेगी एजुकेशन के ऊपर इंडिया के अंदर। तो ये दो प्रोविजंस 1813 के एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट थे जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं दे रखे थे। 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जो मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइजेशन का पहला स्टेप था, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है, मतलब कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है, अल्टीमेट पावर किसके पास में है, सेंटर के पास में, अल्टीमेट कंट्रोल कौन करेगा, सेंटर करेगा, अल्टीमेट डिसीजन लेने की पावर किसको मिलेगी, सेंटर को मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस, सेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करा पहला स्टेप क्या था 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर। सॉरी,
तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, उनको क्या बना दिया गया, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब यानी कि अब इस नाम से केवल क्या लगता है हमको कि वो बंगाल के अफेयर्स को मेंटेन करते हैं, इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को के नाम को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ स्टेप बढ़ा लिया। और आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे, जिनके पास सारी मिलिट्री पावर भी है, सिविल पावर भी है, ठीक है ना, सारी मिलिट्री और सिविल पावर उनके अंडर में कर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में। कौन सी पावर? सिविल पावर और मिलिट्री पावर्स। दूसरी बात, जो कमर्शियल बॉडी थी उसे कन्वर्ट कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में, यानी कि अब जो कंपनी अब तक कमर्शियल अफेयर्स को देख रही थी, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को भी देखेगी, तो कमर्शियल बॉडी से वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गई। दूसरी बात, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए प्रोविजन डाला गया था कि जो सिविल सर्वेंट है, सभी के सभी जो भी सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सभी एस्पिरेंट जो है ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू सिविल सर्वेंट के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। हालांकि इस प्रोविजन, ये प्रोविजन पास नहीं हो पाया, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट में बात की कि नहीं, हमें आखिर वो से ब्रिटिश के लोगों को सिविल सर्वेंट बनाना है, हमें इंडियन को सिविल सर्वेंट नहीं बनाना है, इसलिए हम ओपन कॉम्पिटिशन जो है नहीं रखेंगे। तो ये प्रोविजन जो था क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। तो ये 1833 के तक चार्टर एक्ट था, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो आपका 1853 के चार्टर एक्ट का पहला प्रोविजन क्या था? 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर सबसे पहली बार जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें की काउंसिल के अंदर क्या 1853 के चार्टर एक्ट के पहले प्रोविजंस के मुताबिक गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो वर्क थे, एक तो लेजिस्लेटिव वर्क और एक एग्जीक्यूटिव वर्क, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो अब तक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों वर्क का काम कर रही थी, अब उसको सेपरेशन कर दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव वर्क की बॉडी अलग होगी और एग्जीक्यूटिव वर्क की बॉडी अलग होगी। अब आपको लेजिस्लेटिव वर्क की बॉडी अलग रखनी है, तो आपको उसके लिए मेंबर्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो लेजिस्लेटिव वर्क की बॉडी को अलग करने के लिए 6 न्यू मेंबर का इलेक्शन किया गया। 6 न्यू मेंबर जो थे वो एक काउंसिल में फॉर्म हुए, और उस काउंसिल का नाम क्या डाला गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि क्या करेगी, लॉ मेकिंग का काम करेगी। लॉ मेकिंग का काम करने के लिए अलग से सेपरेशन किया गया लेजिस्लेटिव वर्क और एग्जीक्यूटिव वर्क के अंदर। लेजिस्लेटिव वर्क का सेपरेशन होने के साथ में ही 6 न्यू मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किया गया। और ये 6 न्यू मेंबर किस नाम के, काउंसिल के मेंबर थे, उन काउंसिल को क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। इसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया गया था। तो इसको बाद में जाकर के क्या बोला जाता है, इसी के अंदर जो स्टार्टिंग में 6 मेंबर अपॉइंट करे गए हैं इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, इसी 6 मेंबर से इसी के अंदर मेंबर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, और इसको किस नाम से जाना जाएगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाएगा, जो इंडिपेंडेंस के बाद में पार्लियामेंट के रूप में निकल के आएगी, पार्लियामेंट बनेगी, यानी कि मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी। इस 6 मेंबर धीरे धीरे करके और इंक्रीज होते चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बार प्रोविजन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कब आया, 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर आया, जिसके अंदर सेपरेशन किया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्क के अंदर बाय अपॉइंटिंग 6 न्यू मेंबर इन अ काउंसिल दैट कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और आगे जाके से क्या बोला, मिनी पार्लियामेंट या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम जो था इलेक्शन रिक्रूटमेंट का, अब उसमें शुरू हो गया, जो 1833 में हम करना चाहते थे लेकिन हम फेल हो गए थे, प्रोविजन हम लेकर के आए थे, वो प्रोविजन 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर पास हो जाता है। और ओपन कॉम्पिटिशन जो था सभी सर्वेंट्स के लिए, सभी एक्सपीरियंट्स के लिए क्या हुआ, सिलेक्शन के लिए पास हो गया। मैकाले कमेटी 1854 में आई थी, इसने इसकी इस मैकाले कमेटी 1854 की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये रखा गया कि अब क्या हो सकता है, अब जो सभी के सभी इंडियन जो है सिविल सर्वेंट्स है या फिर जो इंडियन एस्पिरेंट है वो भी सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं इस कॉम्पिटिशन में, इस एग्जाम के कॉम्पिटिशन में आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका योगदान लॉर्ड मैकाले कमेटी 1854 को जाता है, ओपन कॉम्पिटिशन फॉर ऑल टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। उसके बाद देखिए, पहली बार जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था इंडिया का, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, इसी के अंदर ही होता है। जो 6 मेंबर आपके अपॉइंट किए गए थे लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, जिसने मिलकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया था, उन 6 मेंबर में कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे। तो सबसे पहली बार इंडियन का रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जो इंडिया के अंदर उन्होंने स्टेबलाइज करी थी, ठीक है। और उनमें से जो 6 मेंबर थे, 6 मेंबर में एक गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास था, बंगाल था, आगरा, यानी कि जो लोकल प्रोविंशियल थे उनके जो गवर्नर थे उनको उसमें मान लिया गया था, इलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो 6 मेंबर जो थे मैं गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उसमें कौन कौन थे, मद्रास, बंगाल और आगरा, जो लोकल के लोकल प्रोविंस जो थे उनके गवर्नर थे, ठीक है। मद्रास का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, और आपका क्या का, आगरा का गवर्नर था। तो मद्रास, बंगाल और आगरा का गवर्नर इसमें शामिल थे। उसके बाद देखिए 1858 का इंडियन एक्ट, ये एक्ट है जब से क्राउन रूल शुरू हो जाता है। क्राउन रूल कब शुरू होता है, 1858 से जब तक हम आज़ाद होते हैं, ये 1947 तक आपका क्राउन रूल चलता है। तो 1858 का जो क्राउन रूल है उसके मुताबिक क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या कर दिया था, जो अब तक गवर्नमेंट ऑफ
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था व्यक्ति, उसको वायसराय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने गया। यानी पहला व्यक्ति जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे बदल दिया गया, पहले सबसे फर्स्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे बदला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चार्टर एक्ट 1773, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसके बाद उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल दिया आपका कब, चार्टर एक्ट 1833, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनको किसे बदल दिया जाएगा, वायसराय ऑफ इंडिया बदल दिया जाएगा क्राउन रूल आने के साथ में 1858 के अंतर्गत, ठीक है। और पहले आपके वायसराय कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। उसके बाद देखिए इसके थ्रू जो डबल सिस्टम गवर्नमेंट था ना, डबल सिस्टम गवर्नमेंट आपको मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों आपस दोनों साथ में रूल कर रहे थे, वो कमर्शियल अफेयर्स को देख रहा था और वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रहा था। वो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ठीक है ना वो खत्म कर दिया गया, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रोविजन से इंक्लूड किए गए थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया गया 1858 के चार्टर एक्ट के मुताबिक, ठीक है। डबल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म हो चुका था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसर ऑफ इंडिया बन चुके थे और डबल गवर्नमेंट सिस्टम अबॉल्यूशन दो स्टेप थे। तीसरा क्या था कि एक नई ऑफिस क्रिएट करी गई, जब आप कुछ खत्म कर रहे हो तो एक नया क्रिएट करोगे, तो जब आपने डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करा तो आपने सेक्रेटरी ऑफ ऑफिस की स्टेट क्रिएट करी, यानी इंडिया का एक सेक्रेटरी होगा जो इंडिया के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करेगा, रिपोर्ट करेगा, ऐसा व्यक्ति चुना गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की ऑफिस को अबॉलिश करने के बाद में, जिसको जाना गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडियन अफेयर्स, ठीक है। और वो सेक्रेटरी अकेला नहीं था, सेक्रेटरी के साथ में 15 और अदर मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, उनको और इंक्लूड करा कि वो एडवाइजरी बॉडी थी सेक्रेटरी के लिए जो सेक्रेटरी को असिस्ट करेगी एडवाइस करेगी, उसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो सेक्रेटरी को एडवाइस करेगी, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इतने सारे मेंबर सबको अबॉलिश कर किसी एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी तो आप दे नहीं सकते, वो पूरी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगा, तो उसकी हेल्प के लिए 15 अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया गया जो उसको रिपोर्ट करेंगे, उसकी सहायता करेंगे इन अफेयर्स को मेंटेन करने में। उसके बाद में आपका क्या आएगा 1861 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1858 के बाद में अभी आपका क्राउन रूल ही चल रहा है, ठीक है, 1861 का एक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो अब स्टार्ट हो गए थे इंडियन मेंबर लॉ मेकिंग में, यानी कि अभी तक मैंने आपको बताया था इससे पहले का जो एक्ट था उसमें सबसे पहली बार क्या हुआ था 1853 के एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को अलग किया गया था, और जब लेजिस्लेटिव वर्क को अलग किया गया था तो 6 अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था जिन्होंने मिलकर एक काउंसिल बनाई थी जिस काउंसिल का नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उनमें से 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो थे गवर्नर ऑफ मद्रास बॉम्बे और आगरा के थे। तो उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अब क्या होगा इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, इंडियन मेंबर्स उसके अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। 1858 के एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था आपका डबल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर काउंसिल्स को अपॉइंट किया गया था और जो गवर्नर थे उनको वायसराय के नाम से जाना गया था। 1853 का एक्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर था बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसी सेपरेशन में जो आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी उसी के अंदर आप क्या करोगे मेंबर्स को इंक्रीज करोगे बाय अपॉइंटिंग इंडियन मेंबर, ठीक है। अब इंडियन मेंबर 1861 के एक्ट के थ्रू लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वायसराय थे उन्हें अपॉइंट किया गया इंडियन काउंसिल में एज अ नॉन गवर्नमेंट मेंबर। जो इंडियन मेंबर अपॉइंट किए जा रहे थे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको गवर्नमेंट मेंबर ना मान करके नॉन गवर्नमेंट मेंबर से रिप्रेजेंट किया जाता था कि ये नॉन गवर्नमेंट मेंबर है, ठीक है, कौन जो इंडियन मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट होकर के जाएंगे। तो जो व्यक्ति सबसे पहले इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियन व्यक्ति जो सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट करके जाएगा एज पर प्रोविजन ऑफ 1853 एक्ट 1861 के प्रोविजन के मुताबिक सबसे पहले कौन जाएगा 1862 में अपॉइंट होकर के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आपके जाएंगे कौन आपके महाराजा और दिनकर राव, ठीक है ना, राजा महाराजा दिनकर राव ये अपॉइंट किए जाएंगे सबसे पहली बार कहां पर 1862 के एक्ट के मुताबिक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है। इसके इसके 1861 एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन दिखाया जाता है, जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना, कैसे किया जाता है, जो आपकी अदर प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि मद्रास था, ठीक है ना, बॉम्बे था, है ना, तो इन बॉम्बे मद्रास और ये जो प्रेसिडेंसी थी इनको भी लेजिस्लेटिव पावर की लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग की पावर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इस एक्ट में क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, जब सेंटर से कुछ पावर लेकर के हम स्टेट या अदर आपकी लोकल गवर्नमेंट के साथ में शेयर कर देते हैं तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं।
टाइम। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो पावर अब तक सेंटर में थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग पावर थी, उस लॉ मेकिंग पावर को ट्रांसफर किया, थोड़ा सा शिफ्ट किया, थोड़ी सी पावर लेकर के हमने अदर जो आपके प्रोविंसेस थे उन प्रोविंसेस को दे दी कि अब वो भी लॉ मेकिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं, उनको भी हमने लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड कर दी। बंगाल को कब, बंगाल के अंदर कब लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, यही लेजिस्लेटिव काउंसिल इस स्टेट के अंदर अंदर आगे जाकर के बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में बनी हुई है, जो अभी हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में बंगाल के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 1862 में बनी थी, और यूपी के अंदर बनी थी 1866 में, और पुणे के अंदर बनी थी 1897 में। तो आपको ये भी याद रखना है कि बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कब होता है, 1862 में होता है, उसके 4 साल बाद यूपी में 1866 में होता है, और उसके बाद पुणे में 1897 में होता है। 62 बंगाल, 66 यूपी, और 97 आपकी पंजाब में होता है, ठीक है। उसके बाद 1861 का एक्ट और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस को डाला गया, ऑर्डिनेंस पावर, यानी कि जो अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो गवर्नर के पास में क्या हो जाएगी, जो वायसराय बन चुका था उसके पास में ऑर्डिनेंस पावर हो जाएगी कि वो ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है, जो 6 महीने के लिए होगा, 6 महीने तक वैलिड होगा, ठीक है। उस तो वायसराय की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो आपको इसी 1861 के एक्ट के तहत मिलती है, उसका रूट, ठीक है, यानी कि अब वो विदाउट टेकिंग पर टू काउंसिल, काउंसिल की परमिशन के बिना क्या कर सकता है, वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो 6 महीने तक वैलिड माना जाएगा। तो 1861 का एक्ट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट था, पहली बात तो इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपकी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके अंदर आपके इंडियन मेंबर्स को अपॉइंटमेंट मिल गया था, ठीक है, और वो सरदिनकर राव महाराजा आपके थे। दूसरी बात क्या थी कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, लॉ मेकिंग की पावर अदर स्टेट अदर प्रोविंस को मिली थी, जैसे कि बंगाल को मिली 1862 में, यूपी को मिली 1862 में, पंजाब को मिली 1897 में। इमरजेंसी पावर यानी कि जो ऑर्डिनेंस पावर थी उसके पास में, जो बिना उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल परमिशन के वो इशू कर सकता था, 6 मंथ तक वैलिड मानी जाती थी, वो भी आपको 1861 के एक्ट के तहत ही मिली थी, ठीक है। 1892 का एक्ट, अब 1892 के एक्ट के अंदर क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस थे, तो 1892 के एक्ट के अंदर सबसे पहला प्रोविजन क्या था कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पर भी नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट जो मेंबर उनको इंक्रीज किया गया। नॉन गवर्नमेंट मेंबर मैंने आपको पहले भी बताया, जो इंडियन मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट होते थे उन मेंबर्स को नॉन गवर्नमेंट मेंबर कहा जाता था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर या कंपनी के मेंबर्स अपॉइंट होते थे उनको आप क्या बोलते थे, उनको आप बोलते थे गवर्नमेंट मेंबर। तो नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो की जो नंबर्स थे यानी उनकी जो उनके जो पॉपुलेशन थी उसको क्या कर दिया गया, इंक्रीज करने की कोशिश करी गई, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, कि नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स का परसेंटेज इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है, हालांकि मेजोरिटी गवर्नमेंट मेंबर्स की ही रहेगी 1892 के एक्ट के मुताबिक। इसके अंदर क्या कर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शन थे उनको इंक्रीज किया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ कानून ही नहीं बनाएगी, लॉ मेकिंग ही नहीं करेगी, बल्कि वो बजट भी बनाएगी, बजट पर डिस्कशन भी करेगी, ठीक है ना, और बजट पर जो क्वेश्चन होंगे उनको भी एड्रेस करेगी, यानी जो बजट होता है पेश करना, उस पर एड्रेस करना, उसके क्वेश्चन को देखना, ठीक है। दूसरी बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैंने बताया आपको फंक्शन इंक्रीज कर दिए गए, पहला फंक्शन पहला आप क्या था, काउंसिल में नॉन गवर्नमेंट मेंबर इंक्रीज किए गए। दूसरा आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो फंक्शन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको इंक्रीज किया गया, जैसे बजट पेश करना, उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करना, ये सब, ठीक है। तीसरा क्या था कि जो वायसराय और स्टेट गवर्नर है उनको पावर दी गई, ठीक है ना, कि वो क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं कुछ एडिशनल नॉन गवर्नमेंट मेंबर का, है ना, रिस्पेक्टिव आपके जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, बंगाल के हैं, है ना, यानी कि इन सब व्यक्तियों ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन मांगी कहाँ पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। तो जब इन लोगों ने बहुत फोर्स करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को या जो भी वहाँ पे उस समय वायसराय होंगे उनको कि हमारा भी क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो आपके बंगाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, ट्रेड्स एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स की आपकी रिकमेंडेशन पर क्या करा, वायसराय और स्टेट गवर्नर के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर इन मेंबर्स का नॉमिनेशन भी इंक्रीज किया, ठीक है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट था, इसमें बजट सेशन शुरू हुआ 1892 के एक्ट से, नॉन गवर्नमेंट मेंबर इंक्रीज हुए और आपका कुछ अदर मेंबर्स को भी अपॉइंटमेंट के लिए क्या मिला, प्रोविजंस के लिए मिला। ये थोड़ा ब्लर हो गया लेकिन मैं बोल देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये मॉडले मिंटो रिफॉर्म है। मिंटो आपके कौन थे, आपके मिंटो आपके वायसराय ऑफ इंडिया थे, और आपके जो मॉडले थे वो कौन थे, सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी का प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है, 1858 के प्रोविजन के अंदर सेक्रेटरी का प्रोविजन किया था, प्लस 15 मेंबर उसकी काउंसिल में थे। तो सेक्रेटरी आपका मॉडले थे, वायसराय आपके मिंटो थे, तो उसी वजह से एक्ट को क्या बोला जाता है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है। कब आया, 1909 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो आपके मैंने पहले ही बताया था, जो आपकी अब क्या होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर इंक्रीज ही होंगे, आगे जा इंक्रीज होते चले जाएंगे, मेजोरिटी जो है आपकी गवर्नमेंट मेंबर की रखी जाएगी।
तो आपका क्या कर दिया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर थे उनका जो मेंबर था इंक्रीज किया गया, या फिर ओवरऑल जो मेंबर थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंक्रीज कर दिए गए, जो 16 से 60 हो गए, यानी कि जो 16 से 60 कर दिए गए, क्या कर दिए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मेंबर्स का इंक्रीजमेंट कर दिया गया। दूसरी बात क्या हुआ कि लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट मेंबर्स की मेजोरिटी को बनाए रखा, उसमें उन्होंने कोई किसी प्रकार की वो भी नहीं करी। हालांकि उन्होंने नॉन गवर्नमेंट मेजोरिटी को स्टेट में, उन्होंने बोला कि सेंटर में तो जो गवर्नमेंट मेंबर है उनकी ही मेजोरिटी लगेगी, हालांकि तुम स्टेट के अंदर भले ही नॉन गवर्नमेंट मेंबर की मेजोरिटी बढ़ा लो या फिर नॉन गवर्नमेंट मेंबर की मेजोरिटी कर लो, लेकिन सेंटर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसके अंदर मेंबर इंक्रीज हुए, 16 से 60 हुए, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स हैं उनमें गवर्नमेंट मेंबर की मेजोरिटी ही रहेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसिल्स हैं आप उनके अंदर नॉन गवर्नमेंट मेंबर की मेजोरिटी कर सकते हो, ये परमिशन दे दी गई। उसके बाद तुम ऑपरेशन के बारे में डिक्रीज कर सकते हो कि किस तरीके से डिस्कस ऑपरेशन वाज डिक्रीजिंग, और यानी कि आप बजट के ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हो वो ऑपरेशन क्या हुआ, लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गए। उसके बाद सत्येंद्र सिन्हा जो थे पहले इंडियन मेंबर थे जिन्हें लॉ मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, यानी कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट होने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है, वो पहले व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र सिन्हा। तो सत्येंद्र सिन्हा आपके वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट होने वाले फर्स्ट मेंबर हैं, ठीक है। और वो फर्स्ट मेंबर के ऊपर अपॉइंट हुए तो कौन मिनिस्टर बने, वो बने लॉ मिनिस्टर। तो सत्येंद्र सिन्हा कौन थे, आपके लॉ मिनिस्टर थे जो वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट किए गए। तो पहले इंडियन मेंबर जो वायसरॉय की सॉरी लेजिस्लेटिव नहीं एग्जीक्यूटिव पहले इंडियन मेंबर जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बनेंगे, सदस्य के रूप में लॉ मिनिस्टर बनेंगे, वो आपके सत्येंद्र नाथ थे, जो 1909 के एक्ट के तहत प्रोविजन आया गया। इससे क्या हुआ, जो इंडियन थे उनको आपकी अपना एसोसिएशन बनाने की परमिशन दी गई वायसरॉय गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। दूसरी बात क्या हुआ, जो कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन था मुस्लिम्स का वो एक्सेप्ट किया गया और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म से दी जाती है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर किसी पोस्ट पर इलेक्शन के लिए मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको वोट देने वाले भी सभी व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी के ही होने चाहिए। इसका मतलब इसी को ही क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। इसी 1909 के एक्ट के तहत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था और मिंटो को इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड्स बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है, क्योंकि यही व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही थी। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन बोले जाते हैं, मिंटो को बोला जाता है। अलग से एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, ठीक है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, जमींदार कॉर्पोरेशन, इन सबको प्रोविजन किए गए। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट एक्ट आएगा वो आपका इंपॉर्टेंट एक्ट आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 जो 20 अगस्त 1917 को पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जब ये एक्ट फोर्स में आया 1921 में, तो इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ये आपके भारत के वायसरॉय थे और जो मॉन्टेग्यू थे ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है ना, इंडिया के कहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आपको रिप्रेजेंट करने वाले, इंडियन को रिप्रेजेंट, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे। तो 1990 का चार्टर एक्ट है ये। इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले डिमार्केशन किया गया, डिमार्केशन किसका, सब्जेक्ट्स का, कि सेंटर को किस टॉपिक पे लॉ बनाने की पावर है, स्टेट को किस टॉपिक पर है और किस टॉपिक पे है, जो कि जिस पर दोनों बना सकते हैं। तो सेंटर सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट को डिमार्केट या सेपरेट करने की जो पावर थी वो 1919 के एक्ट के तहत ही आई थी, जिसमें लॉ मेकिंग को रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट दे दिए गए, सेंटर सब्जेक्ट जिस पर सेंटर लॉ बनाएगा और स्टेट सब्जेक्ट जिस पर स्टेट लॉ बनाएगा इनको, और जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंटर सब्जेक्ट को 1935 के एक्ट में डिवाइड किया जाएगा लेकिन जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे उनको 1919 के एक्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि इसके अंदर ही सबसे पहली बार एज पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की लॉ मेकिंग की पावर के मुताबिक सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट में डिमार्केट या सेपरेट किया गया था। आपके स्टेट सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल सब्जेक्ट को नहीं किया गया था। जो दो पार्ट बनाए गए थे 1919 एक्ट के तहत वो क्या थे, ट्रांसफर और रिजर्व। ट्रांसफर सब्जेक्ट ऐसे होते थे जिनके पास लॉ मेकिंग की पावर तो गवर्नर और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास थी, लेकिन उसको लॉ मेकिंग में गवर्नर और उसके उसके द्वारा उसके जो सहायक मिनिस्टर होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट होते थे जिन पर कानून गवर्नर अपनी मिनिस्टर की एड के साथ में तो बनाता था, लेकिन इसके इस पर अगर कुछ भी क्वेश्चन हो जाएगा तो वो उसको उसको अपनी काउंसिल एसोसिएटेड काउंसिल के अंदर जवाब देना पड़ेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि गवर्नर जो अपनी मिनिस्टर की एड के साथ में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कोई भी लॉ बनाता है, कोई भी एक्ट बनाता है, तो उस लॉ या एक्ट के प्रति वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। वहीं अगर आप रिजर्व सब्जेक्ट की बात करोगे
तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका गवर्नर होगा या फिर जो आपका वायसराय होगा, वो अपनी क्या अपनी अपनी मिनिस्टर्स की एड के साथ में ही क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा। लेकिन वो इन सब्जेक्ट्स को, इन सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट आपके रिजर्व सब्जेक्ट में शामिल है, अगर वो इन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ मेकिंग करता है अपने मिनिस्टर की एड के साथ में, तो वो इस इन सब्जेक्ट्स को लेकर के अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेगा, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ट्रांसफर सब्जेक्ट में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिस्पॉन्सिबल होता है उन टॉपिक पे जिन पे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे क्या बनाता है, लॉ बनाता है अपने मिनिस्टर की एड के साथ में। लेकिन आपके रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर वो किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करता काउंसिल में, अगर उन टॉपिक पे अगर वो लॉ बना रहा है अपने मिनिस्टर की एड्स के साथ में। तो इसीलिए इस दोनों सिस्टम को डायरकी बोला गया, इसको डबल रूल बोला गया कि डायरकी है, ठीक है ना। पहली बार बाइकैमरलिज्म आया, बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें दो चैम्बर आ गए, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। तो सबसे पहले बाइकैमरलिज्म, सबसे पहले आपका डिमार्केशन ऑफ लॉ मेकिंग सब्जेक्ट्स इसी के अंदर आया, सबसे पहले डीआरकी आपकी इसी एक्ट के अंदर ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो बाइकैमरलिज्म को लाने वाला 1919 का एक्ट था, इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस बनाए गए। अपर हाउस लार्जली सक्सेसफुल था, ठीक, अनसक्सेसफुल था, और लोअर हाउस आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता था, अपर हाउस आपका काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट आपका जो लोअर हाउस होता था उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, जो अभी भी होते हैं लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन, और आपका जो अपर हाउस है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे, जो अभी भी नहीं होते हैं। मेजोरिटी दोनों हाउस के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन वाले, बोथ हाउस सिचुएशन में डायरेक्ट इलेक्शन, मेजोरिटी जो मेंबर होते थे दोनों हाउस के, उनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता था, बाकी अदर मेंबर्स को वायसराय नॉमिनेट करता था। जो आपके थ्री वाइज आपकी वायसराय की जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव दोनों के अंदर सेपरेशन कर दिया गया था। ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये सेपरेशन 1853 के एक्ट के तहत ही कर दिया गया था, जब छह नए मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया कि वायसराय का लेजिस्लेटिव वर्क और एग्जीक्यूटिव वर्क दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। 1853 के एक्ट में प्रोविजन डाल दिया गया था। तो जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर जो टोटल मेंबर थे छह थे, है ना। तो 1919 के चार्टर एक्ट के मुताबिक जो टोटल छह मेंबर है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, उनमें से जो तीन मेंबर होंगे वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे, ऐसा प्रोविजन 1919 के एक्ट के अंतर्गत डाल दिया गया, ठीक है ना। उसमें ये बताया गया मेजोरिटी दोनों हाउसेस में डायरेक्ट इलेक्शन वाले मेंबर्स की ही होगी। एक्सपेंडेड कम्युनलिज्म का मतलब क्या था, जो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट जो मैंने आपको समझाया था 1909 के एक्ट के अंतर्गत, वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के पास में था 1909 के एक्ट में, वही सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 के एक्ट के अंदर उसे इंक्रीज करके सिख को, ठीक है ना, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को और यूरोपियंस को दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक नई ऑफिस क्रिएट करी गई जिसका नाम था हाई कमिश्नर फॉर इंडियन, यानी कि एक हाई कमिश्नर नाम की पोस्ट को क्रिएट किया गया, जो कि सेक्रेटरी से स्टेट सेक्रेटरी के जितने भी काम थे सारे के सारे जो वर्क थे वो ट्रांसफर कर दिए गए हाई कमिश्नर के पास में। हाई कमिश्नर की पोस्ट एक नई पोस्ट कहलाई और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वर्क को उसने अपने पास रिप्लेस कर लिया। कहाँ पर बनी थी ये, लंडन के अंदर बनी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप जो पब्लिक सर्विस कमीशन 1919 के एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेबलाइजमेंट किया गया। सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्वायरमेंट यानी सिविल सर्वेंट का रिक्वायरमेंट कब होता है, 1926 में होता है। तो 1919 एक्ट के मुताबिक जो पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेबलाइजमेंट किया गया था, उस पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टेबलाइजमेंट के मुताबिक ही 1926 में सबसे पहली बार सिविल सर्वेंट का क्या हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, उनका रिक्रूटमेंट किया गया। सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट 1926 में किया गया एज पर पब्लिक सर्विस कमीशन द एक्ट ऑफ 1919। उसके बाद आपको सेपरेट पावर दी गई स्टेट प्रोविंशियल को, ठीक है ना, अपने बजट के अंदर। एक तो सेंट्रल अपना बजट अलग बना सकती है और स्टेट अपना बजट अलग बना सकती है, तो सेपरेट बजट बनाने की पावर भी आपको 1919 के एक्ट से ही मिलती है। उसके बाद आपने स्टैचुरी कमीशन को बनाया, जो कि आपके बजट बनाने के और भी अफेयर्स है क्या करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, उनकी इंक्वायरी करेगा। उसके बाद है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड को लाने वाले रैमसे मैकडोनाल्ड है, जो कि उस समय क्या थे, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम क्या था, रामसे मैकडोनाल्ड, 1932 में इन्होंने अनाउंस किया थी एक स्कीम जिसके अंदर माइनॉरिटीज जो कि उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है ना, और वो रिप्रेजेंटेशन उनको सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए दिया जाएगा। तो इसी कम्युनल अवार्ड के अंदर जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको डिप्रेस्ड क्लास के लिए इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है ना। तो डिप्रेस्ड क्लास, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट आपको किसको बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को, मिंटो को बोला जाता है, लेकिन फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट भी आपको कम्युनल अवार्ड देने वाले कौन थे, रामसे मैकडोनाल्ड थे, जो कि कौन थे, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड 1932 के अंदर डिप्रेस क्लास के लिए भी क्या लेकर के आए थे, कम्युनल अवार्ड लेकर के आए थे, कम्युनिस्ट लेकर आए थे, जो आप लोग क्या है माइनॉरिटी के अंदर उनके लिए रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935।